जय सियाराम। भगवान शिव के पूजन की विशेष महिमा है, और भगवान शिव के साथ साथ अगर गौरी पूजन किया जाए तो फिर क्या कहने, सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, हर प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य घर में आती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, सुखपूर्वक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण व्रत अभी 18 सितंबर को आ रहा है, और यह है हरतालिका तीज व्रत, यानी भादो महीने के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया को ये तीज व्रत मनाया जाता है, जिसको हरतालिका तीज कहा जाता है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स जिज्ञासाएँ सामने आई थी कि हरतालिका तीज कब है, 17 सितंबर को है या 18 सितंबर को है। तो जो हरतालिका तीज है वो 18 सितंबर को है, हालांकि जो तृतीया है, जो तीज है, इसकी शुरुआत तो हो जाएगी 17 तारीख को ही, यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है इसकी शुरुआत 17 तारीख को ही हो जाएगी 11:08 से, सुबह 11:08 से, और 18 सितंबर को ये 12:39 तक तृतीया रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार, उदया तिथि कहते हैं कि जब भगवान सूर्य जिस दिन उदय होते हैं उस दिन जो तिथि होती है उसी तिथि को व्रत किया जाता है, तो उदया तिथि 18 सितंबर को है तीज की, इसलिए 18 सितंबर को ये व्रत किया जाएगा, हरतालिका तीज व्रत। इस पर काफ़ी लोगों ने कुछ बातें लिखी थी कि कब है ये, और ख़ास करके पूजन विधि तो सबको पता ही है, और दाम्पत्य जीवन में अगर व्यक्ति सुख समृद्धि चाहता है तो एक इसका शास्त्रीय विधान भी है कि अगर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग अगर तैयार किया जाए शुद्ध मिट्टी से, अगर ये मिट्टी किसी नदी किनारे से मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो किसी भी स्थल का शुद्ध मिट्टी अगर मिल जाए और एक शिवलिंग तैयार किया जाए, और उसके बाद 30 के दिन अगर जलाभिषेक किया जाए भगवान शिव का, और ओम नमः शिवाय कहते हुए परिक्रमा की जाए, कम से कम 11 परिक्रमा, तो सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वैसे विधान ये भी है कि मंदिर में जाकर तो आप पूजन करें ही, अगर घर में भगवान शिव किसी भी रूप में स्थापित हैं, चाहे वो शिवलिंग रूप में या फिर तस्वीर भी अगर आपकी है भगवान शिव की, तो उनकी भी पूजन आप करेंगे तो उसी फल की प्राप्ति होगी। अगर चांदी के गौरी जी अगर मिल जाए, अगर कोई बनवा सके और उनका पूजन करे विधिवत, और उसके बाद अपने पूजा स्थल में चांदी की पार्वती जी को स्थापित करे, तो उससे भी सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो चूँकि जो भादो की तृतीया की जो हरतालिका तीज व्रत है, इसका काफ़ी विशेष महत्व है, और इसको अगर हम हरतालिका को संधि विच्छेद अगर इसका करें तो इसका मतलब होता है हरत प्लस आलिका। हरत कहते हैं हरण करने को, और आलिका कहते हैं सखी को, यानी जो स्त्री मित्र होती है उसे आलिका कहा जाता है। तो माता पार्वती ने जब ये ठान लिया था कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, उनके पिता हालांकि नहीं चाहते थे कि भगवान शिव से उनका विवाह हो, लेकिन सखियों के समझाने बुझाने के बाद माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में चली गईं, सखियों के समझाने के बाद, और उसके बाद वहीं उनका पूजन करने लगीं। और इधर पिता हिमालय को लगा कि माता पार्वती का किसी ने हरण कर लिया है, या सखियां ही हरण करके बलात् ले गई हैं बलपूर्वक, तो इसीलिए इसे हरतालिका यानी कि हरण करके माता पार्वती को ले जाया गया, और भगवान शिव का उन्होंने विधिवत ध्यान किया, पूजन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माता पार्वती के मुख से कहलवाया है कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरो शंभु नता रहाऊं कुंवारी। एक जन्म की कौन कहे, कोटि जन्म यानी करोड़ों जन्म हमारी रगड़ ये चलती रहेगी, ये प्रयास चलता रहेगा, मैं वरण करूंगी तो भगवान शिव को, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊँ। तो अखंड सौभाग्य के लिए, मनोवांछित वर के लिए ये व्रत किया जाता है, हरतालिका तीज व्रत का विधान है। और जो पूजन मुहूर्त है 18 तारीख को, यह सुबह 6:07 से है और 8:34 तक रहेगा। हालांकि 18 सितंबर को जो तृतीया तिथि है वो समाप्त हो जाएगी 12:39 पे, लेकिन जो पारण होगा अगले दिन 19 सितंबर को ही होगा सूर्योदय के पश्चात, क्योंकि कोई भी पारण का जो समय होता है वो सूर्योदय के पश्चात ही होता है। और इस दिन बड़ा ही विशेष संयोग बन रहा है, इंद्रयोग
और रवि योग बन रहा है। इस समय जो भी शुभ कार्य किए जाएं, कोई भी पूजा पाठ की जाए तो इसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो ये जो हरतालिका तीज व्रत है, इसमें जो स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं ये व्रत करती हैं तो निर्जला रह करके यानी जल भी ग्रहण नहीं करती और सुबह या फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। लेकिन चूंकि 12:39 तक ही तृतीया है, इसलिए ये जो पूजन सुबह ही कर लिया जाए 18 सितंबर को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो सामान्यतः आमतौर पे ये पूजन शाम को मंदिरों में किया जाता है, स्त्रियां जाती हैं और वहाँ पे कथा सुनती हैं हरतालिका तीज व्रत की। तो हरतालिका तीज व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व है, अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए, जैसा कि माता पार्वती जी ने किया। इस भाव से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए तो भोले भंडारी आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व है हरतालिका तीज व्रत का। जय सियाराम।